एनकाउंटर स्पेशलिस्ट व सामाजिक संस्था पीएस फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रदीप शर्मा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनके समर्थकों व संस्था के स्वयंसेवकों द्वारा बीते रविवार मुंबई के समुद्री तट जुहू बीच पर सफाई अभियान चलाया गया। बता दें कि इससे एक दिन पहले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी मुंबई के जुहू बीच पर स्वच्छता अभियान में भाग लिया था। इस दौरान सीएम शिंदे बीच पर ट्रैक्टर चलाते दिखे थे, जो सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया गया। जहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे डीप क्लीनिंग मुहिम के तहत मुंबई के जुहू बीच की साफ सफाई करते नजर आए थे, वहीं प्रदीप शर्मा अपनी संस्था पीएस फाउंडेशन के स्वयंसेवकों द्वारा आयोजित स्वच्छता अभियान में उनका साथ देते नजर आए, जो प्रदीप शर्मा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनके स्वयंसेवकों द्वारा सेवा सप्ताह मनाते हुए आयोजित किया गया था। पीएस फाउंडेशन च्या कार्यकर्त्यांनी ठरवलं होतं की माझा वाढदिवस 13 डिसेंबरला आहे, तर तो सगळा त्याच्या अगोदरचा जो ये दिवस आहे, सगळा सप्ताह स्वच्छता अभियान, चांगले चांगले उपक्रम जे समाजाला उपयोगी आहेत करायचं ठरवलं होतं। आज तिसरा दिवस आहे। पहिल्या दिवशी आम्ही साई भंडारा केला, 8 ते 10 हजार लोकांनी त्याच्यात भाग घेतला, प्रसादाचा आनंद घेतला। त्याच्यानंतर काल वृद्धाश्रमांनी भेट दिली होती संध्याकाळी, आणि आज हे स्वच्छता अभियान जोडला। पीएस फाउंडेशन वुमेन एम्पॉवरमेंटसाठी पहिल्या हे केलं होतं, त्याची स्थापना झाली होती 8 वर्षापूर्वी। हळूहळू हळूहळू आम्ही सगळ्या फील्डमध्ये सगळ्या लोकांना आता पीएस फाउंडेशन युथ टीम तयार केली आहे। काही दिवसांनी पीएस फाउंडेशन विद्यार्थी सेना स्थापन करणार आहोत। विद्यार्थ्यांचे जे जे प्रॉब्लेम असतील ते आम्ही सगळे मिळून सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करणार आहोत। पीएचची यूथ विंग आहे, आता ड्रग्सचं अंधेरी ईस्ट अंधेरी वेस्ट तिकडे जास्त असतं। आम्ही इन्फॉर्मेशन काढतो आणि आमची फाउंडेशनची मेंबर्स इन्फॉर्मेशन काढतात, ते मला देतात। आणि लोकल एजन्सी असतात, लोकल पोलीस, त्यांना आम्ही देतो। याचाच परिणाम म्हणून 3 दिवसापूर्वी एक मोठी रेड एमआयडीसी पोलिसांनी केलेली आहे, आणि जे जे ड्रग्सचे सप्लायर्स आहेत त्यांच्यावर कारवाई झालेली आहे। पीएस फाउंडेशन की महिला स्वावलंबन समिति की अध्यक्षा स्वीकृति प्रदीप शर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित इस स्वच्छता अभियान में प्रदीप शर्मा यूथ विंग व महिला स्वावलंबन समिति की टीम ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस स्वच्छता अभियान में समुद्र तट की सफाई के बाद प्रदीप शर्मा अपनी टीम का उत्साह बनाए रखने के लिए उनके साथ बॉलीवुड के गानों पर भी थिरकते दिखे। संजय दुबे के साथ मैं विनोद यादव, सुर्खियां न्यूज़, मुंबई।